मंच पर संबित पात्रा की बेइज्जती का मामला अभी भी ठंडा होता नहीं मालूम पड़ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी तरफ से तंज किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, आंखें मटका मटका कर बेसिर पैर की बातें और निरंतर झूठ बोलने वाले उई पुई प्रवक्ता महोदय ने जब राजनीतिक भाषण देकर मोदी वंदना शुरू किया तो जनता ने न सिर्फ चुप करा दिया बल्कि माइक भी झटक लिया, यूं कहे तो मोए मोए हो गया। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने हंसने वाले इमोजी के साथ इस वीडियो पर मजाक उड़ा है। दोस्तों आपको बता दें, संबित पात्रा एक मंच पर चढ़कर जो ही मोदी की तारीफ करने लगे, मोदी का गुण गाने लगे, तभी जनता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और बता दें, मोदी की तारीफ में संबित पात्रा वहां मंच पर गाना भी गा रहे थे, लेकिन जनता के विरोध के बाद मंच पर मौजूद महिला संयोजक ने संबित पात्रा से माइक छीन लिया। हालांकि माइक छीनते वक्त संबित पात्रा लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बोलने दिया जाए, लेकिन अंततः महिला ने उनके हाथ से माइक छीन लिया। और ये सब कुछ देखते हुए मजे की बात ये रही कि संबित पात्रा लगातार इसके बावजूद भी हंसते रहे। फिलहाल जनता ने संबित पात्रा के मोदी गुणगान को सुनने से नकार दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पत्रकार पुनीत कुमार कहते हैं, संबित पात्रा एक कार्यक्रम में कुछ बोल रहे थे, तभी ऑर्गेनाइजर ने माइक छीन लिया। लग रहा है बिना बुलाए चले गए थे, बेइज्जती गजब हो गई। आर्या सिंह कहती हैं, एक मीटिंग में बिना बुलाए पहुंच गए और फर्जी भौकाल बना रहे थे तो माइक छीन लिया गया, लेकिन फिर भी बेशर्मी की तरह हद देखो कैसे हंस रहे हैं। महिला ने माइक छीन कर खरी खोटी सुना दी, लेकिन पात्रा फिर भी बेशर्मी से मुस्कुराते रहे। नरेंद्र कहते हैं, संबित पात्रा का इतना अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इनका अपमान और ज्यादा होना चाहिए। प्रोड्यूसर ने कहा, इतनी बेदर्दी से तो कोई गली के कुत्ते को भी नहीं भगाता जितनी बेदर्दी से संबित पात्रा से माइक छीना गया और मंच से उन्हें भगाया गया। संदीप सिंह ने कहा, संबित पात्रा की धज्जियां उड़ा दी गई, घनघोर बेइज्जती हो गई। भाजपा प्रवक्ता और कई सारे कंपनियों से सैलरी ले रहे संबित पात्रा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां मोदी वंदना शुरू कर दी। आयोजकों ने तुरंत माइक छीन लिया, भीड़ से कुटाई भी होने वाली थी, लेकिन एक आयोजक महिला ने आकर बचा लिया। दोस्तों आपको बता दें, मोदी वंदना के बीच संबित पात्रा का विरोध करते हुए एक व्यक्ति मंच पर संबित पात्रा के नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे रोकने के लिए महिला तुरंत ही प्रयास करती है। मालूम पड़ता है वो संबित पात्रा की तरफ हाथ बढ़ाए चला आ रहा है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।